बहुत अच्छी है। मुझे तो ऋतिक रोशन के लिए, मैं भी औरंगाबाद से आया ऋतिक रोशन को देखने के लिए, उनका जो एक्शन है, उनकी जो पिक्चर है, और इसलिए हम औरंगाबाद से यहाँ पर मूवी देखने के आए स्पेशली। यस, दोनों एक साथ में आए हैं और पिक्चर मिला जुला के बहुत बेहतरीन है, कहीं ऐसा बोरिंग जैसा महसूस नहीं होता है कि पब्लिक मोबाइल में लग जाए, मैसेज में लग जाए। मैं जो स्वैग स्टाइल वो सब दिखाया बहुत जबरदस्त दिखाया, मतलब ऋतिक की एंट्री बहुत जबरदस्त, ऋतिक की जो एक्टिंग है, जो परफॉर्मेंस है, सबसे बेस्ट है, वर्ल्ड क्लास टॉप क्लास का परफॉर्मेंस है। विक्रम वेदा कैसे लगी मूवी? क्या बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत मतलब स्टोरी एक्शन, मतलब वही कि जो अच्छा होता है वो अच्छा नहीं भी होता, जो बुरा होता है सच में बुरा नहीं होता है, उसके बारे में स्टोरी बताई गई है। काम वगैरह कैसा, प्लॉटिंग कैसी है? प्लॉटिंग तो देखिए, जो स्टोरी साउथ वाले में थी, साउथ वर्जन में थी, इसमें भी सेम वही स्टोरी है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस क्या है, एक्शन सीन्स और अच्छे डाले गए हैं, मतलब साउथ वर्जन में शायद इतना एक्शन सीन्स नहीं था, बट इसमें जो स्वैग स्टाइल वो सब दिखाया बहुत ज़बरदस्त दिखाया, मतलब ऋतिक की एंट्री बहुत ज़बरदस्त। क्या बात है, सैफ अली खान के बारे में कुछ बताइए, रोहित शर्मा भी है, इवन हाँ वो तो बेस्ट एक्टर्स है ही वो लोग, मतलब सैफ अली खान को तो हम पहले से देखते आए हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है, तो नो डाउट उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। मतलब जो उनका कन्फेशन सीन होता है वो, मतलब जेल में, वो सब सीन्स बहुत अच्छे थे। डायलॉग तो अभी मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है कि ऋतिक बोलता है कि कोई बात नहीं। तो ऑडियंस को कैसे अप्रोच करेंगे आप मूवी देखने? मैं तो बोलूँगा कि सब देखने आए मूवी, भले साउथ वर्जन देखी होगी तो ये भी देखने आए, मतलब इसको इम्प्लीमेंट अलग तरीके से किया गया है, तो वन वर्ड रिव्यू फॉर ऋतिक, ही वॉज आउटस्टैंडिंग। टाइम तो नहीं मिल पा रहा था, नवरात्रि का टाइम है, लेकिन फिर भी मेरे को देखना था, काफ़ी साल बाद ऋतिक रोशन की भी फिल्म आई है और दोनों एक साथ में आए हैं और पिक्चर मिला जुला के बहुत बेहतरीन है, कहीं ऐसा बोरिंग जैसा महसूस नहीं होता है कि पब्लिक मोबाइल में लग जाए, मैसेज में लग जाए कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। पूरी फिल्म की मेरे को एंडिंग अच्छी लगी है, और जो जब वो ऋतिक रोशन आके हाजिर होते हैं, सैफ अली खान उनसे पूछताछ करते हैं, जब वो स्टार्ट अपना सवाल करते हैं, वो एक अच्छा लगा है। और हिंदी की ऐसी पहली मूवी है, पुलिस चोर को पकड़ रही है और उसी की बीवी उसकी वकालत करती है, वो एक अजीब सा दिखाया गया है लेकिन बहुत अच्छा है एकदम। क्या बात है, हाँ फर्स्ट कहा जा रहा है ये एक साउथ की हिंदी रीमेक है जो विक्रम वेदा ओरिजिनल, साउथ की जो रीमेक बोलते हैं हमारे इधर के, तो साउथ की वो उसके एक्टर अलग थे, हीरोइन अलग थी, इन दोनों ने जो काम किया है, इन तीनों ने, राधिका बिटे वगैरह सब जन ने, तो इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया सबने मिला जुला के। क्या बात है, और उस थोड़ा लखनऊ का भी देखने को मिल गया, उत्तर प्रदेश की शूटिंग है, अच्छा लगा थोड़ा। क्या बात है, पूरे मूवी को देखने के बाद ऐसा कौन सा पर्टिकुलर डायलॉग या फिर पर्टिकुलर सीन आपका जो फेवरेट रहा? बीच बीच में जो वो लोग ये छोड़े हैं ना टाइटल, जब मारामारी होती है तो टाइटल उन्होंने छोड़ा हुआ है वो, और एक ऋतिक रोशन का वो जो डायलॉग, आगे एक कहानी सुनाओ तो एंड में सैफ अली खान बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मतलब जो उसका बैग, हाँ हाँ बैग जाते फिर आते, बहुत बेहतरीन है। क्या बात है, मतलब लोगों को पसंद आएगी, चलेगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी। नवरात्रि के टाइम इन्होंने रिलीज किया, इनको थोड़ा दशहरे बाद करना चाहिए था, डेट नहीं मिला होगा, लेकिन पब्लिक आएगी, जरूर आएगी। पूरे 5 देना चाहता हूँ। अच्छी मूवी है, जो 2.5 घंटे का जो एक्शन है, ड्रामा है, मतलब एकदम खा गई मूवी। ऋतिक की जो एक्टिंग है, जो परफॉर्मेंस है, सबसे बेस्ट है, वर्ल्ड क्लास टॉप क्लास का परफॉर्मेंस है। क्या बात है, और जो कॉम्बिनेशन है विक्रम और बेताल का, वो मूवी में देखने को मिला है बेसिकली। क्या बात है, यस जी, मतलब नए स्टाइल में विक्रम बेताल ही हम करेक्ट। क्या बात है, यस। स्टोरी कितनी आपको इंटरेस्टिंग लगी, स्टोरी के बारे में? स्टोरी में थोड़ा इंटरवल के बाद में थोड़ा सा कि 10 मिनट का कुछ टाइम, मतलब बोर हो गए थे, बट जो एक्शन जो स्टार्ट हुआ इंटरवल के बाद में, तो फिर तो मतलब मजा ही आ गया। क्या बात है, मतलब पैसा वसूल बोल सकते हैं? बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते पैसा वसूल। काम के बारे में बात करते हैं, ऋतिक रोशन एंड सैफ अली खान का दोनों का कॉम्बो आपको कैसा लगा? देखो, मैं सैफ अली खान को बुरा लग जाएगा, बट ऋतिक और सैफ अली खान की जो एक्टिंग है, ये लेवल में आप मैच कर सकते हो, मेरा माइक है और ये ऋतिक है, तो सैफ अली खान बुरा नहीं मानना आप, बट जो एक्टिंग है ऋतिक की वो टॉप क्लास है। क्या बात है, कहा जा रही है ये मूवी ओरिजिनल मूवी की हिंदी? मैंने ओरिजिनल देखी नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम ये देख रहा हूँ, मैंने ओरिजिनल देखी नहीं है। पूरे मूवी को देखने के बाद ऐसा कौन सा पर्टिकुलर डायलॉग या फिर पर्टिकुलर सीन आपको फेमस बना हो या फिर आपको बहुत अच्छा लगा हो, ऐसा कुछ है? ऐसा तो ठीक नहीं, बट जो ऋतिक का जो उसको मतलब
सैफ अली खान का जो उसको ट्रैप करने का जो अंदाज रहता है और ऋतिक उसको ये करता है, एक कहानी सुनाए अभी तो नहीं मैं बाद में फिर कभी सुना दूंगा, कोई बात नहीं। यस चलो ठीक है, जाते थे 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे आप इस मूवी? 5 में से 4.5। थैंक यू वेरी मच। 5 में से 4.5 मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी। वन वर्ड रिव्यू फॉर ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन मतलब मैं उसका चाइल्डहुड फैन हूँ, चाइल्डहुड से उसका फैन हूँ और इसलिए हम औरंगाबाद से यहाँ पर मूवी देखने के आए स्पेशली। यस क्योंकि ऋतिक रोशन ने उनका जो अल्कोहलिक सॉन्ग है इसी थिएटर में उन्होंने रिलीज मतलब इवेंट किया था पिछले हफ्ते में, इसलिए हम इसी थिएटर में मूवी देखने के लिए आए। थैंक यू सर। बहुत अच्छी है, मुझे तो ऋतिक रोशन के लिए मैं भी औरंगाबाद से आया हूँ ऋतिक रोशन को देखने के लिए। उनका जो एक्शन है, उनकी जो पिक्चर है वो विक्रांत वेताल के ऊपर बोले तो मैं औरंगाबाद से यहाँ पर देखने के लिए, खासकर ऋतिक रोशन के लिए। उनके ट्रेजर के लिए भी आने वाले थे पर उतना पता नहीं था, बुकिंग हो चुकी थी जब तक, हमने ट्रेन की टिकट भी बुक कर लिए थे पर उस टाइम में हमें पता चला कि उसकी बुकिंग हो चुकी है तो हमने वापसी कर ली। और पिक्चर को हम आए यहाँ पर एक ही हफ्ते में उसी के यहाँ पर ही आए थे, वो भी ट्रेजर के लिए, उनके गाने के अल्कोहल होलिया। ऋतिक रोशन को मुझे खास अच्छा ये लगा जब वो सैफ अली खान को बचाने आता है और जब उनके साथी को उनको मारने को आते हैं ना, सैफ अली खान के साथी, वो एक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, उनको बचाते हैं बहुत बढ़िया, एक ही नंबर पिक्चर। मतलब दोनों का काम वगैरह कैसे? बहुत 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 एक नंबर, जबरदस्त काम लगा मुझे दोनों का। वो जब दोनों साथ में फाइट करते हैं, दोनों मारते हैं विलनों को, एक नंबर लगी मुझे। क्या लगती है चलेगी पिक्चर ये? बहुत बहुत चलेगी, केजीएफ से ज्यादा। क्या कहिएगा सर आप? केजीएफ से ज्यादा चलेगी, ज्यादा चलेगी। केजीएफ, पुष्पा, आरआर, ये सबसे डेंजर पिक्चर। ऐसा कौन सा डायलॉग आपको याद रहा हो या फिर आपको बहुत अच्छा लगा ऐसा पूरे पिक्चर को देखने का, ऐसा कुछ है? नहीं वैसे इतना तो याद नहीं है। वो जब बोलते है ना कि सर एक कहानी सुनाए, ये सबसे बेस्ट डायलॉग है। क्या बात है। यस लास्ट सवाल रहेगा, 5 में से कितने स्टार दीजिएगा सर? मैं 5 में से उनको 4 स्टार तो दूंगा ही दूंगा। क्या बात है सर, आप कितने स्टार देंगे? मैं 5 में से 5 दूंगा ऋतिक रोशन के लिए। मैं भी 5 में से 5 दूंगा। मैं भी 5 में से 5 दूंगा। मैं औरंगाबाद से मुंबई पिक्चर देखने को आया हूं। क्या बात है, क्या बात है। ऋतिक रोशन के लिए क्या कहिएगा आप? ऋतिक रोशन के लिए, ऋतिक रोशन भाई, मैं आपके वास्ते पिक्चर देखने औरंगाबाद से मुंबई आया, इसलिए थैंक यू, बाय बाय। क्या बात है, सो स्वीट बनी।